हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन डॉट कॉम। आज हम बनाएंगे पोहा उपमा, यानी पोहा से नाश्ता। बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पोहा का उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी पोहा और एक छोटी कटोरी ली है मैंने रोस्टेड मूंगफली, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। हमें चाहिए एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक टमाटर बारीक कटा हुआ और एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए और ये करी पत्ता। पोहा को बनाने के लिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच राई। पोहे को चटपटा और खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच चीनी, आधा नींबू, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को हम एक बाउल में डाल लेते हैं और इसे पानी डालकर 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे। पोहे को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है और इसे मैंने 1 मिनट इसी पानी में रहने दिया है। तो अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। पोहे को देखिए मैंने स्ट्रेन कर लिया है और इसका सारा पानी निकलने तक इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। कि पोहा का सारा पानी मैंने निकाल दिया है और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसे एक प्लेट में फैला देते हैं जिससे हमारा पोहा खिला खिला बनेगा, और इसे इस तरह से फैला देते हैं। तो अब पोहा बनाना शुरू करते हैं। तो जो हमने रिफाइंड लिया था 2 से 3 चम्मच इसको इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो राई और हींग इसमें डाल देते हैं और राई को अच्छे से चटकने देते हैं। राई हमारी अच्छे से चटक गई है तो इसमें हम प्याज डाल देते हैं। प्याज डालकर हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना, बस जस्ट इसका कच्चा पनी दूर करना है। प्याज देखिए हल्की गुलाबी कलर की हमारी हो गई है तो इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च, साथ में डालेंगे 10-12 कड़ी पत्ते और इसको भी हम कड़ी पत्ते को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। कड़ी पत्ता भी हमारा अच्छे से भून गया है तो अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी हल्का सा भून लेंगे और टमाटर के साथ ही मैं इसमें ये मसाले डाल देती हूँ, हल्दी नमक मिर्च, और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और मसाले और टमाटर को अच्छे से भून लेते हैं। मसाले को भूनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 या 1.5 मिनट में हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भून के रेडी हो जाएंगे। मसाला और टमाटर भी हमारा अच्छे से भुन गया है तो जो हमने 2 चम्मच चीनी ली थी इसको इसमें ऐड कर देते हैं जिससे इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा रहेगा। तो इसे भी हम इसी तरह से चलाते हुए 1 या आधा मिनट अच्छे से चीनी के मेल्ट होने तक भून लेंगे। देखिए मसाले चीनी सब कुछ भून चुके हैं तो जो हमने ये पोहा लिया था धो के, इस पोहे को इसमें ऐड कर देंगे। पोहा कढ़ाई में डाल दिया है तो अब इस पोहे को हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा देखिए मसालों के साथ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए एकदम खिला खिला पोहा है। और मसाला मिला के मैंने इसको 1 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दिया था कम गैस पर। तो अब ये बन के बिल्कुल रेडी है। तो इस समय पे हम डाल देते हैं रोस्टेड मूंगफली और इसे भी मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। और गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है तो जो हमने नींबू लिया था इसको खट्टा टेस्ट देने के लिए, तो नींबू इसमें ऐड कर देंगे। नींबू को भी इसके साथ पोहे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरा धनिया डाल देते हैं, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसे मैं सर्व कर लेती हूँ।
पोहा नाश्ता बनके हमारा रेडी है, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।